स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में अमेरिका गए थे तो वहाँ पर हिंदी भाषा में अपनी भाषा को मान्यता हाँ। देने के लिए इन्होंने हाफ इंजन हाफ इंजन बनाने जा रहा है, ये तो बहुत तेज लेकर जा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे एंड बिंदास होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जुकाम अब थोड़ा सही है और रोज़ की तरह मैंने जानवरों को चारा कर दिया है, साफ सफाई भी कर दी है, तो ये अपना खा रहे हैं आराम से, ठीक है। और आज का मौसम भी ठीक ठाक है, धूप निकली हुई है, कल की तरह मौसम है, बारिश तो कल नहीं हुई थी और आज भी बारिश वाला कोई मौसम लग नहीं रहा है, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं, मैं आपको बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं, ओहो, मम्मा रोज की तरह खाना ही बना रही हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग, और बच्चों नमस्ते, कैसे हो? वेरी गुड। तो आप लोग हालचाल बता देना मम्मी जी को। और मम्मी अभी चाय बना रही हैं, अभी बन गई थी लेकिन मैं काम कर रहा था तो फिर मम्मा ने साइड में रख दिया था, चावल बना लिया था इसी में, और अब चाय को फिर से गर्म कर रही हैं, ठीक है। तब तो हम लोग पियेंगे, कब रखा हुआ है। और क्या बना रही हो आज? बना रहे हैं लोबिया छिया। लोबिया छिया बन रही हैं आज, ये देखो, दिखा दो लोबिया छिया कैसी होती, थोड़ा निकाल के ये देखो ऐसे होती है। हाँ, ये आइए बच्चों लोगों खाइए। वेरी गुड। तो ये लोबिया की छिया है, ठीक है, मम्मा भी बना रही हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाती हैं मम्मा, ये मज़ा आ जाती है खाने में, ठीक है। और इधर चावल रखे हुए हैं, इसमें बन चुके हैं, जो कि रख दूँ, बंद कर दो इसको। और आ रही हैं अब चाय छानने जा रही थी, तो मैं मम्मा बैठ कर पीऊँगा क्योंकि भाई तो पीता नहीं है चाय, तो इसीलिए कटोरे में थोड़ी सी बन जाती है, कहाँ इतना बड़ा बर्तन जो है उसको भरे, तो इसीलिए मम्मा थोड़ी सी बना लेती हैं दो कप, अगर कोई और आ जाता है तो उसके लिए भी हो जाती है, ठीक है। तो मम्मा ने चाय छान ली थी लोटा में और अभी इसमें डाल रही हैं। तो जैसे बताया था दो ही कप बनती है, मैं पीता हूँ मम्मा पीती हैं, और इसमें थोड़ी सी बची हुई है यानी कि एक कप बची हुई है, कोई अगर तीसरा बंदा भी हो तो उसके लिए भी हो जाती है। तुम भी चाय पियो। तो मम्मा जी पूछ रही हैं कि आप लोग भी आओ चाय पियो, ठीक है, और मैंने चाय ले ली है तो आप लोग भी आओ और चाय पियो सुबह सुबह चाय की चुस्की, ठीक है, कोई नहीं रिस्की। और ये भाई जा रहा है पानी लेने के लिए। तो अभी ये भिट्टी जो है ना खाना बनाने जा रही है, तरोई देखो पकड़े हुए मम्मी के पास अपने, इधर देखो इधर भिट्टी, हाय हाय शर्मा रही का। तो ये देखो तरुई पकड़े हुए और स्माइल कर रहे हैं बढ़िया प्यारी से, है ना। आज क्या बनाओगी? तरुई बनाओगी? हाँ तरुई बनाएगी, तरुई तरुई बनेगी। ये आभासे ये तरुई तोड़ी गई है अभी, तो यही बनाएगी आज बिट्टी। सो गाइस, अभी मम्मा जी गई हैं शायद आंटी जी के इधर, उधर गांव की तरफ, ठीक है। तो मैंने खाना परोस लिया है तो मैं जा रहा हूँ खाने। जैसे कि आप लोगों को दिखाया ही था कि मम्मा आज बना रही थी लोबिया की छिया की सब्ज़ी, तो मैं खाना परोस लाया हूँ और ये है लोबिया की छिया की सब्ज़ी, और मम्मा ने थोड़ा सूखी बनाया है, ठीक है, और इसी में थोड़े चावल थे कटोरे में तो मैंने इसी में डाल लिया और रोटी ले लिया। मैं खाने जा रहा हूँ और आओ आप लोग भी खाओ, और बहुत टेस्टी बना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि भाई से पूछा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली, ठीक है। तो अभी भाई को शायद खाना देने जाना पड़ेगा क्योंकि भाई जो है आज टिफिन लेकर नहीं गया था, जल्दी चला गया था। ये जो लोबिया की छिया की सब्जी है ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लोबिया की छिया की सब्जी। तो मैं अभी खाता हूँ और आप लोग भी आओ खाओ, और उसके बाद फिर जाता हूँ भाई को टिफिन लेकर, ठीक है। अभी मैंने खाना खा लिया है और अब मैं लेता हूँ टिफिन, उसके बाद निकलता हूँ स्टोर पे, भाई को देना है। तो मैंने ले लिया ये टिफिन, इस बैग में है,
और मैं बंद करता हूँ दरवाज़ा, क्योंकि मम्मा जी घर पे तो अभी है नहीं। ठीक है, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। इस पर पता नहीं वो कब आए कब नहीं। तो मैंने ताला कर दिया है बंद, और मैंने बाइक भी निकाल ली है जो कि खड़ी हुई है बाहर वहाँ पे। मैं पर्दा भी लगा देता हूँ। और अब हम निकलते हैं। वैसे अभी मैं स्टोर पर आ चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ये है मेडिकल स्टोर और इस पे भाई बैठता है। अभी मैं खाना देता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने खाना निकाल लिया है और यहाँ पे रख देता हूँ। भाई उधर पैनल निकाल रहे हैं, रख रहा है क्योंकि फैन नहीं चल रहा क्या? फैन नहीं चल रहा है अभी। ये ब्लूटूथ तुम्हारा चार्ज ही नहीं? ब्लूटूथ इनका देख कहीं का, ये दूसरे का था क्या? यहाँ का जो व्यू है, ये मेन रोड है इधर, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये मेरे भाई की बाइक खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा है। कंजी का पेड़ है शायद, कंजी का है, ये कंजी का पेड़ है और इसके नीचे बहुत बढ़िया हवा चल रही है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी जाना है घर, तो बैठूंगा नहीं, मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। ये देखो चेला लगा हुआ है, क्या कर रहा है? हाफ इंजन बना रहे हाफ इंजन बनाने जा रहा है। ये तो बहुत तेज लेकर जा रहा था भाई, ये भाई मैकेनिक है, पूरी गाड़ी को खोल देता है फिर बांध देगा। ये इधर तो देखो एक बार, ये चेला है, चेला कहे तो बहुत मजा लेता है ये। ठीक है, पहले हम लोग जब यहाँ पे रहते थे चेला के साथ खूब मस्ती होती थी, क्या मजा आती थी कि नहीं? सचिन विदा हम सभी लोग थे, बहुत मजा आती थी पहले। मैंने खुल नहीं रही क्या ये वाली? सब बंद थी कहे? दिलीप चले गए बंगाल। दिलीप बंगाल कब चले गए भाई? जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। कब है शादी, कब है? ठीक है, जा रहे हैं अनूप। ठीक है अनूप, जब मैं स्टोर पे अभी आ रहा था तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन पसीना फिर भी निकल रहा है। फिर धूप देखो आ गई है, मतलब कहीं पे धूप कहीं पे छांव। इधर आगे देखो छांव है, लेकिन फिर यहाँ पे धूप आ गई है अभी। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है। और भाई आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गर्म है आज। और जैसे देख सकते हैं ये गेहूँ है, मम्मा ने धुला था पिसना बनाने के लिए, क्योंकि धुल के बनाते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अभी ये सूख जाएंगे, उसके बाद हम पिसा लाएंगे। और ये लैया रखी हुई थी तो ये हम लोगों ने खाया नहीं था, तो ये मिहा गई थी, तो इसीलिए धूप में रखा है, तो पता नहीं अभी कैसी हुई है। और कपड़े भी धुले थे आज मम्मा ने, अभी मम्मा इसको खोद रही हैं, मतलब ऊपर नीचे कर रही हैं, जो नीचे थे वो खोद देंगी तो सही हो जाएगा, बढ़िया पूरी तरीके से सूख जाएंगे। कल भी कब डालना पड़े क्यों? तो एक दो दिन डालना पड़ेगा, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद फिर चक्की पे ले जाएंगे, पिसा लाएंगे। ये तो बेकार हो चुके हैं, और ये देखो अभी हरे भरे बढ़िया चल रहे हैं, अभी सही है। अभी इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ दरारें हो गई हैं, तो अभी इसमें शाम में पानी डालेंगे थोड़ा, और ठंडा मौसम हो जाए। और इस साइड भी थे तो यहाँ पे भी, ये तुलसी का है जराकुस, तो इसमें भी पानी डालना है, अभी शाम में डालेंगे पानी। सकते हैं आज का थोड़ा सही है, नहीं तो भाई 5-6 रोज से रोज़ बारिश हो रही थी, लेकिन आज बढ़िया मौसम है, बड़ा प्यारा दिख रहा है। देखो इधर फाइनली मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, और मम्मा जी हैं जो शाम का खाना बनाने जा रही हैं, अभी चावल धुल रही हैं जैसे कि देख सकते हो, तो चावल धुल कर फिर गैस पे रख देंगी। और लाइट अभी आ रही है तो बहुत सुकून मिल रहा है, मैं पंखा के नीचे ही खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और बारिश क्या वही बूंदे बूंदे पड़ी थी, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत देख सकते हैं, हल्का फुल्का नम है बस, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी अभी। अभी मौसम इस टाइम पे बहुत ठंडा है, मैंने नहावा लिया है, तो अभी शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को एक वीडियो में बताया ही था कि शाम में बहुत अच्छा लगता है और सुबह में अच्छा लगता है, दोपहर में तो गर्मी होती है। ठीक है, लाइट भी नहीं आती तो कम अच्छा लगता है।
और ये भी सचिन आया है। नमस्ते। हेलो गाइस, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 14 सितंबर है, तो ये एक खास दिन है। इस पर मतलब कि प्रधानमंत्री मतलब कि हर जगह पर हिंदी दिवस के रूप में कल हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर है तो कल है हिंदी दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हाँ। तो हिंदी के लिए हम लोग, और जैसा मतलब कि आपको पता होगा सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी भारत में, सर्वाधिक हाँ। बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो हम इस हिंदी दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में, भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे राष्ट्रभाषा का भी स्थान दिया गया है। और इसको एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अमेरिका गए थे तो वहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी पर अमेरिका में बोली तो जाती है अंग्रेजी, लेकिन वहाँ पर हिंदी भाषा में अपनी भाषा को मान्यता हाँ। देने के लिए इन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया, जिससे ये ज्ञात होता है कि अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को गौरव देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। इसीलिए हम लोग हिंदी भाषा पर हम लोगों ने हम जोर दिया है, और प्रधानमंत्री जी भी इसी पर लगे हुए हैं कि हिंदी भाषा के ऊपर मतलब लोग हिंदी भाषा को ज्यादा अमल करें, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है। इसी पर मतलब कि अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए और अपनी राष्ट्र संस्कृति और भाषा पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इसके बाद में मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहता हूँ, फिर आगे अगले एपिसोड में मिलेंगे। बोलते अगले एपिसोड में मिलेंगे, पूरा स्पीच दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी को समझना चाहिए कि हिंदी जो इसे और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कल है 14 सितंबर, यानी कि हिंदी दिवस। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सचिन कुछ बताएगा, ठीक है, तो वो जरूर सुनना आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहो अपने छोटे भाई को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।